नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। ऊना पुलिस ने बॉर्डर एरिया में रेत के लगे डंपों पर दबिश देकर बड़ी कार्यवाही को दिया अंजाम। कई गाड़ियां, फोकलेन, जेसीबी मशीन और टिप्पर किए बाउंड। बठिंडा में चाइना डोर की वजह से एक नौजवान का कटा गला, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फगवाड़ा में स्कूटरी पर जा रहा एक युवक हुआ चाइना डोर का शिकार, लगभग 40 टांके लगे। और अब हलचल विस्तार से। हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला अवैध खनन के लिए पंजाब व अन्य राज्यों में काफी माना जाता है। ऊना की नदी में सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग के मामले जिला प्रशासन द्वारा पकड़े जा रहे हैं, जिसके चलते ऊना पुलिस द्वारा बॉर्डर एरिया में रेत के लगे डंपों पर दबिश देकर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। इस दौरान ऊना के SP अर्जित सेन ठाकुर, माइनिंग विभाग और रेवेन्यू विभाग की टीमों ने इकट्ठा होकर समा नदी के बॉर्डर एरिया संतोषगढ़, टहलीवाल और बाथड़ी में लगे रेत के डंपों पर कार्यवाही की। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए SP अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस द्वारा पिछले 2 वर्षों में 18 FIR अवैध माइनिंग के खिलाफ दर्ज की गई हैं, जिनमें 5 FIR इस साल के जनवरी माह में दर्ज की गई है। इस दौरान पुलिस ने 50 गाड़ियों को भी बाउंड किया है, जिनमें पोकलेन व JCB मशीन और टिप्पर भी शामिल हैं। वहीं उन्होंने सरकार से और ज्यादा मैन पावर देने की मांग की है, ताकि गश्त को बढ़ाया जा सके। ये साल स्टार्ट होते ही हम लगातार इस पे एक्शन ले रहे हैं। पिछले 2 सालों में 18 FIR जो है हमने टोटल रजिस्टर की है। पहले महीने में ही हम 5 FIR जो है रजिस्टर कर चुके हैं इलीगल माइनिंग करने वाले लोगों के खिलाफ, और लगभग 50 गाड़ियां, जिसमें 10 पोकलेन और JCBs इंक्लूडेड हैं, उनको हमने इम्पाउंड किया है पूरे एरिया में। हरोली, पथड़ी और ये संतोषगढ़, ये सब एरियाज जो हैं ये काफ़ी वनरेबल हैं माइनिंग के लिए, और हमने इनकी जो है हॉटस्पॉट्स की मैपिंग जो है वो कर रखी है। उसके चलते हम यहाँ पे मौके पे आके जगह जगह दबिश दे रहे हैं, और हमको काफ़ी सफलता भी मिल रही है। हमारे साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन जो हमने अभी केसेस की है, उसमें हमको ये पता चला है कि इसमें ट्रैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रेता मैनुअली उठा के या मशीन के द्वारा उठा के ट्रैक्टरों में भरा जाता है, उसको एक जगह डंप किया जाता है, फिर उनको दोबारा से बड़े टिप्पर्स में डाल के अलग अलग जगहों पर जहाँ पर इनकी डिमांड होती है वहाँ पर ले जाया जाता है। बठिंडा शहर में चाइना डोर ने एक नौजवान को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस दौरान चाइना डोर ने उक्त नौजवान के गले को काट डाला, जिस कारण नौजवान बुरी तरह से लहूलुहान हो गया, जिसे उपचार हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर उक्त नौजवान को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा घायल नौजवान का इलाज किया जा रहा है। नौजवान वेलफेयर सोसाइटी एक कॉल आई कि दुग्गल पैलेस को एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो चाइना डोर गल के फस गई, जिन्हों असी लैके इस टाइम सिविल हस्पताल एमरजेंसी के लिया, तो डॉक्टर वेख के दसनगे वैसे ब्लड बहुत पै रहा है गले के पूरी तरह फिर। फगवाड़ा में स्कूटी पर जा रहा साहिल नामक युवक चाइना डोर का शिकार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नून महल से वह घर की ओर वापस आ रहा था कि इसी दौरान चाइना डोर से उलझ गया, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए लड़के की मामी जसमिंदर ने कहा कि साहिल नूर महल से घर वापिस आ रहा था कि चाइना डोर की चपेट में आ गया। उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और
मुंह से लेकर गर्दन तक करीब 30 से 40 टांके लगे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनका बेटा भी चाइना डोर का शिकार हुआ था और आज उनके भांजे का बुरा हाल हो गया। इसलिए वह सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर नकेल कसी जाए। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मुंडा सी क्या फिर पान जाया ओदे ना डोर फेर की रोड ते इत्थे अपने पुल दे उत्ते आंदे सी उधर नूर महल लाउंदे सीगे डोर फेर की बच्चे ते सारे मुंडे जहाजी डोर फेर गई है वी इन्हां ने की बनाया देखो डोर दा किन्ना इन्हां ने गलत काम कीता है कारवाई नहीं करदी कारवाई नहीं करदे चलदे कहंदे ड्रोन चलदे पे कोई ड्रोन दा दिस जाने सन ता दिखाई ते बच्चे सारा गल वड्या गया गल ते सारा मुंडे 35-40 टांके लगे बच्चे ते किन्ना बच्चे खराब। धूरी में आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की धर्मपत्नी गुरप्रीत कौर की ओर से किया गया। धूरी के बाजीगर बाजार में खुले इस आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन पूजा अर्चना कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का लाइव प्रबंध भी किया गया था, जहां से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का लाइव कार्यक्रम लोगों को दिखाया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने कहा कि पंजाब में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में हर तरह की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पहला तो जी सब तो वधिया गल है कि पंजाब की जिहड़ी सरकार है वो कहनी ते कथनी की पूरी पक्की है। जो भी वादे सीएम साहब ने केजरीवाल साहब ने चोणां दौरान कीते सी गरंटियां दे रूप च एक एक करके वादे सारे पूरे हो रहे हैं। तुसी बिजली दे बिलों का ही गल लै लो, मोर दैन 80% लोगों के बिजली के बिलों के जीरो आ रहे हैं। हेल्थ लई सरकार अपना काम कर रही है, नौकरियां सरकारी सरकार प्रोवाइड कर रही है जी, तो पेंशन स्कीम सी जिहड़ी वह भी बहाल की गई है। सो सरकार अपने काम कर रही है, सानू सरकार का सहयोग देना चाहिए, समा देना चाहिए, तो साथ उन्होंने देना चाहिए कि अगर चंगे काम होते रहे। कितना का फायदा होगा लोगों को? लोगों को बहुत फायदा होगा, मेजरली मैंने लगता लेडीज़ को तो बुजुर्गों को बहुत फायदा होगा, जिन्होंने हमेशा डिपेंडेंट रहना पैंदा किसी होर पर कि सानू हॉस्पिटल तक लैके जाण, उन्होंने बहुत फायदा होगा कि अपना इलाज उत्थे आके उन्होंने बिल्कुल घर के नेड़े ने अपना इलाज करा सकते। धूरी च अज 3 खोले गए हैं जी, तो अगों उम्मीद है कि होर भी इत्थे वधणगे जी। संगरूर जिले में 14 नए मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत दिड़बा क्षेत्र के गांव महिला में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 2 मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो लोगों से वायदे किए थे अब उन्हें पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन क्लिनिक्स में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएंगी, तो वहीं उनके टेस्ट भी निःशुल्क किए जाएंगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इलेक्शन के दौरान जो पंजाब के अंदर वोटा पै रही सी उस समय साढ़े सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के लोगों ने वादा किया कि असी वर्ल्ड क्लास दियां सेहत सहूलत हरेक पिंड हरेक महल्ले लैके जावे। उस दे तहत अज पूरे 500 महला क्लीनिक पूरे पंजाब खुल चुके हैं, 100 पहला खुल चुके सी, 400 का उद्घाटन अज अमृतसर तो होया गया, अमृतसर 400 उद्घाटन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी सरदार भगवंत सिंह मान जी उसका इनॉगुरेशन कर रहे हैं, पंजाब नू 400 महला क्लिनिक समर्पित कर रहे हैं। उसे लड़ी के तहत अज साडे हल्के दिड़बा दे विखे अज असी महला चौंक विखे एक महला क्लिनिक लोगों को समर्पित किया गया और दूसरा महला क्लिनिक छाजली पिंड विखे लोगों को समर्पित किया गया। आने वाले समय के होर भी महला क्लिनिक खोले जाएंगे और लगभग अज 14 जिहड़े महला क्लिनिक ने वो संगरूर च खुल रहे हैं। सो एक क्रांति की लहर जी पंजाब चल रही है, मतलब मेरा कहने का भाव सेहत की क्रांति पंजाब च लैके आवांगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की ओर से निर्मल कुटिया सीचेवाल का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सदस्य और वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल के साथ मुलाकात भी की। इस मौके पर संत सीचेवाल और सुल्तानपुर लोधी के सिविल अस्पताल के SMO रविंद्र पाल की ओर से शाहकोट और सुल्तानपुर लोधी के सिविल अस्पताल में आ रही समस्याओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने सुल्तानपुर लोधी के अस्पताल को पंजाब का बेहतरीन अस्पताल बनाने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य और दवाइयों से पीछा छुड़ाने के लिए साफ एवं स्वच्छ वातावरण, व्यायाम और शुद्ध खुराक खाना जरूरी है,
तो वहीं सिविल अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी को भी उन्होंने जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। जालंधर के खालसा कॉलेज में स्वर्गीय सांसद संतोख सिंह चौधरी की आत्मिक शांति हेतु रखे गए शोक सभा में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष तौर पर पहुंचे। गौरतलब रहे कि कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे सांसद संतोख सिंह चौधरी को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद बड़े बड़े नेता परिवार के साथ अफसोस करने के लिए पहुंचे। वहीं शोक सभा के दौरान हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह राहुल गांधी और सोनिया गांधी का संदेश लेकर आए हैं कि चौधरी परिवार पिछले 100 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा है और अब उनकी थर्ड जनरेशन विक्रम चौधरी विधायक बनकर काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि एक बार संतोख सिंह चौधरी ने उनसे कहा था कि उनका सपना है कि उनका बेटा विधायक बने, और जब उनका बेटा विधायक बन गया तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। इस दौरान कांग्रेस के पंजाब प्रधान राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, प्रगट सिंह, गुरजीत औजला और कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप मौजूद रही। इस मौके पर कांग्रेस लीडरशिप के सीनियर नेताओं ने शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना प्रकट की। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹ
उन्होंने नाल तुरना शुरू करते। और उस सवेरे भी मैनू याद है काली जैकेट उन्होंने पाई हुई सी, पर चेहरे ते वही लाली वही मुस्कान, एक जिंदगी नू जीण दा जिहड़ा उन्हां जज्बा सी उस दिन सवेरे भी झलक रहा सी। मैं अज अपने वल्लों उन्हां नू सच्ची श्रद्धांजलि दिंदा और असी दिलों उस शख्सियत नू वो बहुत ही नोबल आत्मा नू असी सारे मिस करांगे। और मैं रब पूरे यही अरदास करदा है कि उन्हां दे परिवार नू एक ऐसे समागम दे विच बैठे हैं जिहड़ा कुछ दिन पहला चौधरी संतोख सिंह जी मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े कि अचानक साढ़े कोलों जुदा हो गए और एकदम इस तरह लगा कि जो गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया सी कि आदमी एक दमी है, जे साह आया तो आदमी, जे नहीं आया तो कुछ नहीं। हसते खेडते श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा दे विच उन्होंने उतों जलंधर जिले की आगाज किया, तो कुछ ही देर बाद उन्हों का अचानक जोड़ा वो इंतकाल हो गया। ये गल जी है किसी न उस वेले इस तरह लगता सी कि शायद जी गल ठीक नहीं है, पर उस सियाने कहते हैं कि मौत की जी खबर होंगी है वो बहुत घट जी गलत होंगी है। मैंने जिंदगी में केवल एक व्यक्ति के पांव छूते हुए देखा था और वो थे मास्टर गुरबंता सिंह जी। मेरे पिताजी और मेरी माँ मास्टर जी को और उनकी पत्नी जी को, धर्म पत्नी जी को हमेशा चाचा और चाची कहकर पुकारते थे और उस समय शायद सभी लोग उनको चाचा और चाची कहकर पुकारते थे और हमने भी बचपन में यही सीखा। चौधरी संतोख सिंह जी का लंबा सियासी जीवन रहा, सेवा का जीवन रहा और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती हरमनजीत जी, उन्होंने लंबी सेवा की है, आज हम उनके साथ खड़े हैं। आज आप सारे आए हाँ साढ़े बहुत ही होनहार बहुत ही लोगों के बीच मिठड़े ते फर्जा की पूर्ति करने वाले अपने भरा चौधरी संतोख सिंह जी नूं अंतम अरदास विच शरदा दे फुल भेटा करन लई। आ जिहड़ा लफ्स अंतम अरदास ये मूँह चो निकलता नहीं, क्योंकि ये परिवार एक नहीं दो नहीं मास्टर गुरवंता सिंह जी का परिवार तीन पुश्तों तो, तीजी पुश्त तो मास्टर गुरवंता सिंह जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बड़ा कुछ सीखा से उन्होंने तो चौधरी जगजीत सिंह और ये साढ़े चौधरी संतोख सिंह थिड़के नहीं इतने बहुत पंजाब दे विच तूफान आए कांग्रेस पार्टी के संघर्ष हुए। इवें जिवें इन्हों का बेटा होनहार बेटा विक्रमजीत किसी भी अपनी पार्टी का झंडा लैके पहरा दिंदा रहा कांग्रेस पार्टी के उपर। मौत की पहला उम्मीद हो जाती है कि हूँ परिवार के मैंबर ने जाना है, लेकिन एक जिमें गुरबाणी का फरमान है कि अचिंते बाज पेंदे
ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਸ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨੇ, ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1995 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਥੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੀ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੰਕਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤੋੜ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਉਨਕਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੇਂ ਬੀਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਵਿਨੋਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥੀ, ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਦੇਖਾ ਚੇਤਨ ਬਰਾਕਟਾ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਟਨ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ ਸਭੀ ਆਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਨਕੇ ਪਿਤਾ ਐਮ ਪੀ ਹੋਂ ਤੋ ਉਨ੍ਹੇ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਂ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਐਮ ਪੀ ਹੋ, ਮਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੋ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਗੇ ਆਉਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਯੁਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਯੁਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਝਸੇ ਇਹ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਸੇ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਉਨਕੋ ਜਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਜੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਬੀਚ ਆ ਕਰ ਉਨਕੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਥਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਾ ਕਿ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਥਾ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜੀ ਕੋ
उनके पिता ने आगे बढ़ाया ईमानदारी से, और जिस सादगी भरे जीवन का परिचय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चाहे भट्टल जी है, चाहे संतोख सिंह जी है, हमारे चरणजीत सिंह चन्नी जी है, इन सब ने दिया, उसी कड़ी को आपने आगे बढ़ाना है। गांधी परिवार, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। जिथे अफसोस तुसी सारे ने साडे नाल कीता, उत्थे साणू जो गुरु महाराज का जो हुक्म है वो सब नूं मनना पैंदा, पर दिल दे विच इस गल की खुशी है कि साडे परिवार के मुखी जिहड़े साडे परिवार की वल्लों देश कौम की सेवा कर रहे और अपने अखीरले पल दे विच भी देश नूं कट्ठा रखना, भारत नूं जोड़ के रखना, जात पात की राजनीति तो उपर होके समाज की सेवा करना, उस महान सोच नूं अगे ले जाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। साड़ी पार्टी की समुची लीडरशिप इतने आई है। यह गल सच है कि दूरों यह लगता है कि यह शायद एक राजनीतिक परिवार है और इस राजनीति दे विच आउण च इन्हां नूं दो चार पांच जमातां अगे शुरुआत मिलती है, पर मेरे पिता चौधरी संतोख सिंह जी ने समाज दे विच कांग्रेस पार्टी दे विच राजनीति दे विच जिथे अपने बजुर्ग का नाम साडे बाबा जी मास्टर बलवंता सिंह जी का नाम अगे ले जाने का काम किया, उत्थे अपनी जगह अपने संघर्ष के नाल सूबे विच कायम कीती है।